बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, देखो यार भाई पैसे मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, इंटरेस्ट मेरे पास है, बट है ना इसमें भागदौड़ बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इसमें भागदौड़ बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और वो मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, भागदौड़ बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मान लिया, चलो आप ही के पॉइंट को मैं कंसिडर करके चल रहा हूं। अच्छा मुझे दुनिया में एक जगह बता दो जहां पैसा कमाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, मुझे दुनिया में एक जगह बता दो जहां भागदौड़ करने के लिए, जहां भागदौड़ करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक जगह बता दो दुनिया में। पैसा कमाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती हर जगह। अच्छा मुद्दा यह है भागदौड़ कितने टाइम के लिए करनी है। बाहर की जिंदगी में, नॉर्मल जिंदगी में आप जाओ 30-40 हजार रुपए कमाना, 20-30 हजार रुपए कमाना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी भर 9 to 5 काम करना पड़ेगा। जिंदगी भर स्टार्ट करोगे 25 की एज में, 60 साल की एज तक करना पड़ेगा, कम से कम 35 साल लगातार लगे रहना पड़ेगा। कितना कमाने के लिए? 25-30-40-50 हजार कमाने के लिए। अच्छा मुझे बताओ 9 to 5 35 साल तक काम करना, 9 to 5 कितने घंटे होते हैं? लगभग 8 घंटे 35 साल तक काम करना, 8 घंटे एक दिन के, तो एक महीने के कैलकुलेट करके देख लो, 8 घंटे एक दिन के तो एक महीने के अगर कैलकुलेट करोगे तो 8 into 30। अच्छा एक साल का कैलकुलेट कर लो तो 12 से कैलकुलेट कर लोगे, 8 घंटे एक दिन में काम कर रहे हो तो एक महीने में काम करोगे 8 × 30। अच्छा अगर 12 महीने का कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि लगभग 2800 आवर्स आपको काम करना है, 2800 घंटे लगभग आपको काम करना है एक साल के अंदर। अच्छा 35 साल के अंदर 2880 × 35 यानी कि आपको लगभग 1 लाख घंटे काम करना है, 1 लाख घंटे अप्रोक्सीमेटली आपको काम करना है पूरी जिंदगी के अंदर 35 साल के अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 लाख घंटे काम करना बढ़िया या आने वाले 5 साल भागदौड़ करना ज्यादा बढ़िया? और एक नेटवर्क मार्केटर अपनी जिंदगी में ऑन ऑन एवरेज 7 से 8 साल, मैक्सिमम 10 साल काम करता है, जो बढ़िया तरीके से काम करता है 10 साल काम करेगा, 10 साल के बाद में आप ज्यादातर लोगों को देखोगे तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। जैसे आज सिद्धार्थ सिंह सर महीने में मुश्किल से 5-6 मीटिंग लेते हैं, विवेक सक्सेना सर जब मन आता है तो लोग नैनीताल चले जाते हैं उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, बाकी विवेक सक्सेना सर जाके कहीं मीटिंग नहीं लेते। शिवम गोस्वामी सर, आप में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक शिवम सर की मीटिंग अटेंड की? अभिषेक दुआ सर, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभिषेक दुआ सर को देख के ज्वाइन किया? सर एक बात को समझने का प्रयास करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, भागदौड़ करनी पड़ेगी लेकिन आने वाले 5 से 6 साल तक, नॉर्मल जिंदगी में जिंदगी भर करनी पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट मुद्दा, नॉर्मल जिंदगी में आप भागोगे महीने का 40-50 हजार कमाने के लिए, यहां ऑन ऑन एवरेज आप भागोगे महीने का 1 लाख रुपए कमाने के लिए, 1 लाख रुपए तो यार 6 हजार से ज्यादा लोग कमा रहे हैं, यहां भागोगे महीने का 1 लाख रुपए कमाने के लिए, और पार्ट टाइम बेसिस पे अगर आप समय देते हैं, मैं कहता हूं कल को आपका 30-40 हजार रुपए भी आता है, क्या बुराई है जॉब के साथ? आप 40-50 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं और मैं कहता हूं पार्ट टाइम बेसिस पे 3-4 घंटे रेगुलर देते हुए अगर आप आने वाले कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद 30-40 हजार रुपए भी कमा रहे हैं, क्या बुराई है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, भागदौड़ बहुत ज्यादा नहीं है, आपको चाहिए कितना, आप जिंदगी में एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। आज आप बोलो अंकुश सर बहुत भागदौड़ करते हैं, अंकुश सर बहुत मेहनत करते हैं, यस सही बात है, पर क्यों? क्योंकि महीने का 10 लाख रुपए कमाना है इसलिए, ये तो खुद का बता रहा हूं, फिर कुलदीप जी का साथ में 6-7 लाख जुड़ेगा वो अलग, यानी कि महीने का 16 से 17 लाख रुपए कमाना है आने वाले 2-3 साल में इसलिए। अच्छा आप मुझे बताओ महीने का 16-17 लाख के लिए भागदौड़ बनती है कि नहीं? आप बोलो नहीं बनती तो अभी बंद कर दू, बता देना कोई प्लेटफॉर्म जहां 16-17 लाख रुपए आ रहा हो महीने का, अभी भागना बंद कर दूंगा। सर मैं भागदौड़ करता हूं, मैं काम करता हूं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, बिल्कुल आपकी बात से मैं कन्विंस हूं, बट महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लिए मैं भाग रहा हूं, आने वाले कुछ सालों के अंदर मेरे को महीने के 10 लाख रुपए के चेक पे पहुंचना है, दैट्स व्हाई मैं अपना 100% दे रहा हूं, इसलिए मैं भागदौड़ कर रहा हूं। तो बात भागदौड़ की नहीं है, बात यह कि आप कितना अचीव करने के लिए भाग रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर चेक या अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहां पे, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन जो दिमाग में आप लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें इतना चेक चाहिए, उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर महीने का 10-15-20 हज़ार कमाना है, बहुत लोग कमा रहे हैं, आप भी आके आराम से कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रेगुलर कंसिस्टेंसी ले और उसको रिटेल करते रहे बस, ठीक है। तो ये हो गया, भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ओके। अच्छा, कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ठीक है ये सब सही है, लेकिन एक बात बताओ यार, ये 6 लाख कैसे चलाऊंगा मैं, ये 4 लाख कैसे चलेंगे, 6 लाख कैसे चलेंगे, इतने सारे लोग कहां से आएंगे, लोग कहां से मिलेंगे, और लोगों को कन्विंस कैसे करूंगा मैं। अच्छा, पहली बात तो जो भी कोई इंसान बोले कि लाख कैसे चलाऊंगा मैं, लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा, पहली बात तो, अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, जिंदा आदमी को, मरे हुए आदमी को कंधा देने के लिए 4 लोग मिल जाते हैं, आप जिंदा हो आपको नहीं मिलेंगे। मरे आदमी को राम नाम सत्य बोलने के लिए 4 लोग मिल जाते हैं, आप जिंदा हो आपको नहीं मिलेंगे। चलो ठीक है, भगवान की दया से आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको नहीं मिलेंगे, मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, बचपन से लेके आज तक किया क्या, दोस्त बनाए, और नहीं बनाए तो शादी में घोड़ी से उतर के अकेले तो नाचोगे नहीं, दोस्तों बनाए होंगे, अरे शादी में नाचने के लिए। अच्छा बचपन से लेके आज तक दोस्ती की है, बचपन से लेके आज तक दोस्त बनाए, अब आप कह रहे हो अगर मेरे को 4 लोग नहीं मिले, 6 लोग नहीं मिले तो। अच्छा आप कह रहे हो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको लोगों को कन्विंस किस बात के लिए करना है, वेस्टी ज्वाइन करके एक बेटर प्रोडक्ट यूज करने के लिए, वेस्टी ज्वाइन करके अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। अच्छा आने वाले टाइम में, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ₹1,00,000 महीने की इनकम पे पहुंचने के लिए, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट, एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, और आने वाले टाइम में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतने अच्छे काम के लिए लोग को कन्विंस नहीं कर पाओगे तो मेरे भाई कल को शादी करने जाओगे, जिस लड़की से शादी करनी होगी पापा को कैसे कन्विंस करोगे, अंकल कर दो मेरे से, कैसे कन्विंस करोगे। अरे नौकरी लेने जाओगे, इंटरव्यूअर को कैसे कन्विंस करोगे, नौकरी दे दो मेरे को। कल को किसी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो ग्रुप डिस्कशन होगा, लोगों को कैसे कन्विंस करोगे कि आपकी बात सुने। अरे कल को बच्चे होंगे, कैसे कन्विंस करोगे कि आपकी बात माने, वरना हर दुकान पर रुक जाएंगे, पापा खिलौने, पापा ये खाना है, पापा ये लेना है, कैसे कन्विंस करोगे बताओ। और ये तो अच्छी बात है, आपको पता है कि आपको कन्विंस करना नहीं आता, आपको पता है आपको लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं आता, ये तो अच्छी बात है, कम से कम आज हम सिखा रहे हैं, नहीं तो बेटा जिंदगी में नहीं सीख पाए ना, यकीन मानना बहुत दुखी हो जाओगे या बहुत दुखी रहोगे, हर लेवल पे हर जगह पे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल दे सकते हो, एक बार क्या होता है, एक पर्सन मेरे को मिला, उसने मेरे को बोला मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लोग कैसे मिलेंगे, तो उसके बाद में मैंने उसको समझाया, उसको नहीं समझाया, थोड़ी देर आगे वो गया, थोड़ी देर आगे जाने के बाद ऑटो वाला आया, ऑटो वाले को उसने बोला भैया दादावाड़ी चलोगे एरोड्रम से कोटा में, भैया दादावाड़ी चलोगे एरोड्रम से कोटा में, हाँ चलूंगा, कितने, ₹50, नहीं यार भैया 50 तो नहीं यार, 50 ज्यादा बता रहे हो, सही बताओ कितने, ऑटो वाले ने कहा आप कितने दोगे, भैया ₹40, ठीक है चलो। अच्छा एक बात बताओ, ₹10 कम करने के लिए ऑटो वाले को कन्विंस कर लिया, ऐसे ₹10 घटाने के लिए ऑटो वाले को कन्विंस कर लिया, अपनी जिंदगी बेटर बनाने के लिए अपने साथ वाले लोग को कन्विंस नहीं कर सकते, अपनी और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपनी और उनकी जिंदगी बेटर बनाने के लिए उनको कन्विंस नहीं कर सकते। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि तुम कन्विंस करना नहीं चाहते, तुम मेहनत करना नहीं चाहते। अगर आप बाहर निकलेंगे और आप लोगों को बताएंगे तो लोग आपके साथ डेफिनेटली आएंगे, लोग 100% आपके साथ आएंगे, क्योंकि आप एक अच्छी जिंदगी का सपना, एक अच्छा जीवन जीने का सपना आप उनको बेच रहे हैं, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करने का सपना आप उनको दे रहे हैं, तो लोग यकीन मानिए 100% आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है उनको उस ईमानदारी के साथ एक्सप्लेन करना, उन इंटेंशंस के साथ उनको बताना कि आने वाले टाइम में मुझे इस पर्सन को आगे बढ़ाना है, मुझे इनको सक्सेसफुल, मुझे इनको कामयाब बनाना है, इस इंटेंशन के साथ लोगों की हेल्प करने के इंटेंशन के साथ लोगों को ज्वाइन करवाना, लोग 100% आपके साथ आएंगे, 100% आपकी बात समझेंगे। अरे आप सोचो राजीव गांधी जी की डेथ कैसे हुई, लाइव बॉम्ब, मतलब एक बंदा बॉम्ब पहन के गया, राजीव गांधी जी के पास में जाके खड़ा हो गया और खुद तो उड़ा ही उड़ा, राजीव गांधी जी को लेके उड़ गया। मतलब दुनिया में ऐसे टैलेंटेड लोग भी विद्वान हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग भी दुनिया में अस्तित्व में है जो लोगों को मरने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। भाई हम तो जीने के लिए और एक बेहतर जिंदगी के लिए कन्विंस कर रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कन्विंस नहीं कर पाया तो, और आप बोल रहे हो 4 लोग नहीं मिले तो। हमारी हमारे इंडिया की जनसंख्या कितनी,
125 करोड़ से भी ज्यादा, 130 करोड़ के आसपास। और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे और किसी चीज की कमी आ सकती है, लोगों की नहीं आ सकती। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह जहां पे लोगों की कमी कभी नहीं आ सकती। अब आप बता रहे हो हिंदुस्तान में लोग नहीं मिलेंगे।